वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। IOCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया है ITI स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर, ऑल इंडिया बेसिस जॉब है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 24 जनवरी 2022 से चालू हो गया। आज मैं बात करूँगा कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, इसका डिटेल्स लेके। देखिए, मैं अभी इंडियन ऑयल का जो पाइपलाइन डिवीजन है, पाइपलाइन डिवीजन का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ये पेज में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और नीचे आइए। नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एक्टिव ओपनिंग्स, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस खुलेगा। उसमें आप देखिए अप्रेंटिसशिप ओपनिंग पहला है, दूसरा है इंडियन ऑयल पाइपलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीजन, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीजन, यहाँ पे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें राइट साइड में जो है ये रजिस्टर, जो स्टूडेंट रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया है उनके लिए है, और जो फ्रेशर है रजिस्टर किया नहीं उनके लिए रजिस्टर नाउ पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ क्लिक कीजिए। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे पोस्ट, आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट को अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है आप ये क्वालिफिकेशन यहाँ से दे दीजिए। नेचर ऑफ कोर्स, जो कोर्स का जो नेचर है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस लर्निंग जो है आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद वेदर पास्ड इन अबव क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आप उसके लिए पास किया है कि नहीं, उसमें येस होगा तो येस और नो होगा तो नो दे दीजिए। यहाँ पे यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि यस नहीं होगा तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दीजिए और फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट आपका कोई मिडिल नेम रहेगा तो मिडिल नेम दे दीजिए और फिर मिडिल नेम को कन्फर्म कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लास्ट नेम दे दीजिए और लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म कीजिए। उसके बाद आप अगर फीमेल है तो फीमेल और मेल है तो मेल, यहाँ पे दोनों में से जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू इन, नेक्स्ट देखिए आर यू इंडियन नेशनल, यस यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका DOB डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे देना है। तो इसके लिए आपको ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स पे क्लिक करके आपका, आप यहाँ से ऐसे पहले ईयर, उसके बाद यहाँ पे मंथ और फिर यहाँ से आप एक डेट चूज कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी का हिसाब से आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिए। आप ये ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है, ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका कैटेगरी क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट व्हेयर PWD कैंडिडेट, अगर PWD कैंडिडेट है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, PWD कैंडिडेट होगा तो इसमें 40% मिनिमम 40% होना चाहिए, नहीं तो इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका ऑनलाइन फॉर्म। नेक्स्ट व्हेदर एक्स सर्विसमैन, येस होगा तो येस और नो होगा तो नो, येस होगा तो जो डिटेल्स है मांगेगा वो डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, आपका मोबाइल पे, रजिस्टर मोबाइल पे, रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं उस पर आपका एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप OTP डाल के ओके कीजिएगा, आपका मोबाइल सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, वो आपको शो करेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दीजिए। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई किए, जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई किया वैसे ही आपको ईमेल पे एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP डालने से जैसे आप ओके करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, वो शो करेगा। नेक्स्ट
आप यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दीजिए। देखिए पासवर्ड डालने के लिए आप यहाँ पे पासवर्ड का जो स्पेसिफिकेशन है क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए पासवर्ड का लेंथ शुड बी बिटवीन 5 to 8 कैरेक्टर्स, पासवर्ड का लेंथ 5 से 8 कैरेक्टर में होना चाहिए। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट, पासवर्ड में कम से कम एक न्यूमेरिक डिजिट 1, 2, 3, 4 का होना चाहिए। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऐसा करके कोई भी एक लेटर होना चाहिए आपका हिसाब से। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, पासवर्ड में कम से कम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप यहाँ पे आपका पासवर्ड को कंफर्म कीजिए और यहाँ पे जो कैप्चा है ये कैप्चा को आप यहाँ पे टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए और रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप रजिस्टर के क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद देखिए एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपको यहाँ पे दिखाएगा प्रोसेस टू एप्लीकेशन पार्ट 2, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मेल पे भेजा गया, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो ये बॉक्स से चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद जो ये कैप्चा है, ये जो कैप्चा है ये कैप्चा को नीचे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। जैसे आप साइन इन करेंगे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी यहाँ पे दे दीजिए और एंटर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ओटीपी देके एंटर करेंगे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो पेज है वो पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे पहले से ही सेव होके रहेगा। नेक्स्ट आप का जो नया पेज खुलेगा वो पेज पे देखिए यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ का और यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर का जो प्लेस है वो प्लेस दिया गया है यहाँ पे। आप यहाँ से जो गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये आप देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए जो बोला गया है दी साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB से 50 KB होना चाहिए और ये JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए सिग्नेचर के लिए भी बोला गया है कि डायमेंशन 140x60 पिक्सल और साइज ऑफ फोटोग्राफ 10 KB से 30 KB में होना चाहिए और दोनों ही JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर का जो स्कैन कॉपी है वो चूज करके यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा अपडेट सक्सेसफुली दिखाएगा, ओके कीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ से रिलीजन चूज कर लीजिए, उसके बाद आप जो स्टेट पे बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नाम टाइप कीजिए, इसके बाद यहाँ पे आपका मादर नाम टाइप कीजिए। नेक्स्ट जो अदर है वो एड्रेस फॉर कॉरेस्पेंडेंस, मतलब आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पे आपका एड्रेस दे दीजिए। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करके एड्रेस दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिटी, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, नेक्स्ट लास्ट में आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे चूज कर लीजिए ड्रॉप डाउन बॉक्स से। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट जो एड्रेस है सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए, दोनों सेम हो जाएगा, और नहीं तो अगर अलग है तो आप यहाँ से आपका जो एड्रेस है परमानेंट जो एड्रेस है एड्रेस को टाइप करके डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपका डाटा अपडेट सक्सेसफुली दिखाएगा, उसमें ओके कीजिए। नेक्स्ट
आप आई अंडरस्टैंड द एबव इसमें क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो डालने के लिए, इसके लिए पहले आप 10th का जो बोर्ड है बोर्ड का नाम दीजिए, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जब ज्वाइन किया था वो कोर्स पे, वो कोर्स का ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से दे दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर कोर्स कंप्लीटेशन सेम जैसे ज्वाइनिंग है ऐसा सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज मार्क आप दे दीजिए। देखिए यहाँ पे 12 का है, 12 का मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं सेम एज 10th का। यहाँ पे आप आईटीआई का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए, मतलब आपका जो बोर्ड नेम है बोर्ड नेम दे दीजिए, यहाँ पे 2 ईयर्स ड्यूरेशन दे दीजिए और जैसे आप 10th का ज्वाइनिंग किया था और 10th का कॉम्पिटिशन किया था ऐसे ही आपका आईटीआई का कॉम्पिटिशन और ज्वाइनिंग कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क डाल दीजिए। अगर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से चूज कर लीजिए आपका फुल टाइम 3 ईयर्स है कि नहीं। जैसे आप 10th का ज्वाइनिंग किया था यहाँ पे डाल दीजिए और जैसे आप 10th का कोर्स कंप्लीटेशन डेट यहाँ पे प्रेस किया था, जैसे आप कोर्स कंप्लीटेशन का डेट जो है, जैसे आपका कोर्स कंप्लीटेशन 10th का किया था यहाँ पे सेम कीजिए और यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क दे दीजिए। नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे दे सकते हैं और सेम डिटेल्स 10th का जैसा दिया ऐसा कर सकते हैं आप, नहीं तो आप यहाँ पे आई सर्टिफाइड दैट इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट देखिए डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो वो डिटेल्स आप यहाँ से दे सकते हैं, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर टाइप, पोस्ट हेल्ड, ज्वाइनिंग डेट, रिलीज डेट, सैलरी पर मंथ, ये आप दे सकते हैं। ये देने के बाद आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका वो दिखाएगा डाटा अपडेट सक्सेसफुली, इसमें ओके में क्लिक कीजिए। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे आपका एक नया इंटरफेस खुलेगा, वो पेमेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपका स्टेप फॉर पेमेंट जो एसबीआई लिंक, जो एसबीआई पेमेंट लिंक है इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप एसबीआई पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा, आप यहाँ पे चेक बॉक्स कीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट कीजिए और टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप स्टेट ऑफ इसमें ऑल इंडिया सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन यहाँ पे आप पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सिलेक्ट कीजिए और गो पे क्लिक कीजिए। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे और एक नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये सिलेक्ट पीएसयू पब्लिक सेक्टर ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे इंडियन ऑयल सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट में क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे इंडियन ऑयल का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप जूनियर आप ये रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पाइपलाइन डिवीजन इस पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा, इंडियन ऑयल का एक नया इंटरफेस आ जाएगा आपका सामने जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है और यहाँ से आपको चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
डालना पड़ेगा। सेम नेक्स्ट आपको आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा को आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो पेमेंट गेटवे है वो खुल जाएगा। आप वहाँ पे जाके आपका डिटेल्स चेक कर लीजिए और कंफर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपका स्टेट बैंक कलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम खुल जाएगा। यहाँ पे आप स्टेट बैंक का जो आप यहाँ पे मल्टीपल जो ऑप्शन आपका पेमेंट का वो खुल जाएगा। इंटरनेट स्टेट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग, स्टेट बैंक एटीएम कम डेबिट कार्ड, आधार बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी ऑप्शन चूज करके आप यहाँ से आपका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड एटीएम का जैसे आप डेबिट कार्ड चूज करेंगे स्टेट बैंक का, आपका एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट, पहला जो मंथ है, उसके बाद आपका चार डिजिट का जो ईयर है यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद कार्ड होल्डर का जो नेम है वो दे दीजिए। उसके बाद सीवीवी जो यहाँ पे दिखा रहा है आपका एटीएम कार्ड का पीछे लिखा रहता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर यहाँ पे दे दीजिए और आप पे पे क्लिक कीजिए। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको बोलेगा और आपको बोला जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा और आप आपका फॉर्म पिन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से आपका फॉर्म पिन करके रख सकते हैं। जो एससी एसटी कैंडिडेट होगा उनके लिए ये पेज आएगा नहीं, उनको डायरेक्ट सबमिशन के लिए फाइनल सबमिट कीजिएगा और आपका प्रिंट आउट करने के लिए जो प्रिंट है वो प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट निकल सकते हैं और आप फ्यूचर के लिए उसको सेव भी करके रख सकते हैं। ये था टोटल प्रोसेस। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL का एग्जाम के लिए।